अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपको आबिद आशु, हमारा यूट्यूब चैनल आबिद एंटरटेनमेंट में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो हम आपको व्लॉग दिखा रहे हैं, ये व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको व्लॉग दिखा रहा हूं, ये हमारे हाँ ये जो किन्नू होता है माल्टे के बाग में हम मौजूद हैं। माल्टे का जो बाग है, ये जो ज़बरदस्त किस्म के जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल किस्म के माल्टे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये बाग के अंदर हैं और बिल्कुल तरोताज़ा माल्टे हैं जनाब। ये माल्टे हमारी मार्केटों में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है ना हम लोग ख़रीदते हैं। और ये देखें, ये पूरा बाग आप देख लें, ये माल्टों से भरा हुआ है और मार्केटों में भी जाता है, लेकिन अमूमन किसान अक्सर परेशान रहता है कि हमें मुआवजा सही नहीं मिलता। तो हमें चाहिए कि किसान की थोड़ी हेल्प भी करें और उनसे बात भी करें और उनको मुआवजा भी खरीदें। और ये अभी आप ये हमारे माल्टे के बाग में पहुँचे, उसकी वीडियो को आप देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको। जनाब ये देखें कि बाग के अंदर किन्नू की कटाई कैसे की जाती है, किस तरीके के साथ जनाब ये काम करते हैं, रात दिन इसकी छांटी भी करते हैं। ये देखें किस तरीके से काम कर रहे हैं जनाब, उनकी मेहनत देखिए। और हमें इनको मुआवजा पूरा देना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार रात दिन हर बंदा मेहनत मजदूरी करता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारा ये किन्नू बैरून मुल्क जाता है, बाहर जाता है और सरमायादार कमा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसान बेचारा वैसे का वैसे रहता है। ये देखें अभी ये किस तरीके के साथ जो है ना ये लोडिंग की जा रही है, क्या बात है। ये क्रेटों के अंदर डाल के, ये तकरीबन इसका कितना वजन है एक क्रेट का? 21-22 किलो इसका वजन है और 50 रुपए किलो तो तकरीबन बाघ से मिल रहा है, और वो जो है ना 22 किलो इसका वजन है तो 600-700 रुपए का इनको मिलता है। तो ये 600-700 रुपए किलो अगर देंगे मार्केट के रेट के हिसाब से तो इनको क्या मिलेगा, इनके भी अखराज आता है, क्या बात है जनाब। आपको वीडियो दिखाने का मकसद आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालूमात फराहम करना है, क्योंकि हमारी तमाम वीडियो जितनी भी होती हैं सिर्फ आप दोस्तों के लिए ही बनाता हूं मैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये व्लॉग आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप देखें, आप कराची में हैं, पाकिस्तान में हैं, गाँव देहात में जहाँ कहीं भी हैं, तो हमारी वीडियोज़ को देखते रहा करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ वो आपके सामने आपके पास आ जाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हो सके तो जनाब कमेंट्स भी कर दिया करें। कैसी लगी है जनाब? और ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है भाई? गन्ना। क्या बात है जनाब, गन्ना कैसा? अच्छा है गन्ना, इसका हम जो है ना वो रस भी बनाते हैं ना, मशीन से रस भी निकलता है इसका, गन्ने का रस। हाँ, इसके इससे खाने से जो है ना, ऐसे खाने से दांत भी मजबूत होते हैं ना भाई सर। ये देखे जनाब, खून भी पैदा होता है। तो मैं इस वक्त घूम रहा हूँ माल्टों के बाग में, और माल्टे के जो बाग हैं माशाल्लाह आपको सामने नज़र आ रहे हैं जनाब। ये फ्रूट इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे होते हैं। माल्टे के बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं, आप माल्टे देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस सिर्फ आप दोस्तों के लिए ही तो मैं बनाता हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लाजमी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। किन्नू के बाग में पहुंचे हैं, वहां पे ये देखो बिल्कुल जनाब ताज़ा ताज़ा किन्नू आपको यहाँ पे फ्रेश मिलेगा, आप फ्रेश फ्रूट मिलेगा। हमारे पास बाइक खड़े हैं,
यहाँ पे बाग में काम करते हैं और माशाल्लाह इनसे फिर बात करते हैं कि यहाँ पे भाईजान ये बताएं क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई ये बताएं कि हमने थोड़ा बाग का विजिट किया, माशाल्लाह बहुत तरोताज़ा यहाँ पे आप माल्टे बेच भी रहे हैं और मार्केट में भी जाते हैं, थोड़ा बताएं बाग के बारे में। ये फसल कब तैयार की जाती है? तीसरे महीने में तैयार होती है, बारहवें महीने में इसकी कटाई होती है। बारहवें महीने कटाई होती है। अच्छा, तो इसमें क्या अखराजात क्या होते हैं? कोई बीज वगैरह या कोई खाद वगैरह भी डालते हैं? खाद डालते हैं, डीएपी, सोना, यूरिया, अच्छा, वगैरह भी डालते हैं। तो मतलब ये तो फिर आजकल बहुत महंगी है, तो इसके महंगी है, मंडी इस टाइम सस्ती चलती है। अच्छा अच्छा, कुछ और बताओ यार, ये जो माल्टे मार्केट में जाते हैं तो वहाँ तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं? टापे के हिसाब के जाते हैं, 800 का, 700 का, 600 का टापा मिलता है। टापा क्या मतलब? वो भी एक क्रेट होता है? जी जी, 21-22 किलो का होता है ये क्रेट होता है। अच्छा, एक क्रेट जो है ना 21-22 किलो का क्रेट होता है, तो मतलब वो उसमें कितने का जाता है वो माल्टा? 800 का, 700 का, 900। सिर्फ 700-800 का? जी जी। तो उसमें तो काफी दर्जन माल्टे आ जाते होंगे? जी, बहुत ज्यादा आते हैं, नुकसान आ रहा है इस बार। नुकसान भी आ रहा है? तो अभी साफ जा रहा है मार्केट में तो तकरीबन पब्लिक को जो है ना किन्नू काफी महंगा मिलता है दर्जन के हिसाब से, तो आपको तो फिर कम रेट मिल रहा है? एक गाड़ी भेजी है शायद और डाला। अच्छा जनाब, देखें कि यहाँ पे माल्टे वगैरह जो हैं हम खरीद रहे हैं यहाँ से, तरोताज़ा माल्टे हैं जनाब, ये देखें जबरदस्त किस्म के माल्टे हैं। आप भी बागों का रुख किया करें और यहाँ से माल्टे खरीदा करें, ताज़ा और मिलेंगे आपको ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के माल्टे हैं और हमने माल्टे खरीदे हैं खान, और आप भी कहें और माल्टे खरीदें, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अब्दुल्ला तू भी बता दे। बहुत सारी आएंगी जनाब, ये माल्टी खा रहे हैं जनाब। जी जनाब, ये हम बाग में बैठे हुए हैं और किन्नू खा रहे हैं मजे मजे के साथ, और वो भी सिर्फ 50 रुपए किलो। आप 200-250 रुपए किलो खरीदते हो ना, तो हमने तो 50 रुपए किलो खरीदा है बाग के अंदर। बहुत सी बात है यार, इनको भाव देते हैं, हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन को मौत पड़ गई। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और यकीनन आपको ये माल्टे जो का भाग आपको दिखाया, यकीनन आपको पसंद आया होगा, हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बता देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताना, ये वीडियो और भी आएंगे। जी भाई, ये सब बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बता दें ये वीडियो कैसी लगी। आपके पास ढेर सारी वीडियो अच्छी अच्छी आती रहेंगी, मजबूत होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़। जी जरा, हमारी तरफ से आपको खुदा हाफिज़, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।